मुस्लिम फैमिली जो होती है ना बहुत ज़्यादा रिजर्व होती हैं और वो नहीं चाहते. बहुत सारी ऐसे फैमिलीज होती हैं जहाँ हम अगर कभी किसी छोटे होम टाउन की बात करें, जयपुर मैं नहीं कहूँगी छोटा होम टाउन है, बट फिर भी मैं कहूँगी जिस सोसाइटी से हम आते हैं वहाँ लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही फाइट करना पड़ता है अपना स्पेस बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए. और वहाँ पे फिर टेलीविज़न पे आना या फिर मैं कहूँगी जब जॉब भी करना. मैंने मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों को पढ़ाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है. तो हमें मेरी माँ ने हमें तालीम भी दी, साथ में हमें फिर अलाउ किया कि हम बाहर जाके काम करें, ऑफिस जाएँ, जो रूटीन जो लड़कियाँ करती हैं आजकल की अपना करियर बनाएँ, वो चीज़ के लिए हमसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने फ़ाइट किया है. सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं बहुत के चाहते कि यार इसकी शादी हो जाए बस, दैट्स इट, लड़कियां थोड़ी बड़ी हुई शादी हो गई ये इनका करियर होता है, ये इनकी लाइफ होती है. बट नहीं, हमारा सपना कुछ और था, मेरी माँ का भी सपना कुछ आता, वो हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी. तो मेरी मॉम ने भी काफ़ी हमारे लिए फ़ाइट किया है, शी इज़ माई रियल लाइफ हीरो एक्चुअली. मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ. तो फिर हाँ, मुश्किलें काफ़ी आई लेकिन हम दबंग सिस्टर्स हैं जैसे हमने पहले भी कहा, और बहुत ही हिम्मत के साथ सारी चीज़ों का सामना किया और आज अल्लाह के करम से यहाँ तक पहुँचे हैं. ओके, अच्छा जैसे अभी में भी देखा जाता है कि बस लड़की बड़ी हुई, पढ़ाई खत्म हुई, कर दो शादी कर दो. क्या पढ़ा किसी से, आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, शादी कब करें. उनको लगता है जो शादी करके घर बसा लेती हैं वही लड़कियां बेस्ट हैं, जो जॉब करती हैं वो फालतू में अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही हैं. कुछ लोगों की अभी भी ऐसी सोच है ना, आई एम वेरी शॉक्ड. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगी कि नहीं, आज इंडिया बहुत डेवलप्ड हो गया, लोगों की सोच चेंज हो गई, ऐसा नहीं है. अभी भी मैंने फेस किया है और मेरी सारी सिस्टर्स ने ये फेस किया, मम्मी ने फेस किया है कि अभी भी लोग वो प्रेशर देते थे, अरे यार शादी करा दो, दैट्स इट, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब काम भी कर लिया, शौक पूरा कर लिया. उनके हिसाब से शौक है काम करना, तो काम भी कर लिया है, शौक पूरा कर लिया, अब शादी करा दो. तो शादी करा दो इस लगता है कि शादी के बाद ही उनकी लाइफ बनेगी या उनका करियर सेट होगा, वो सेटल हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली लड़कियों को अगर इतना काबिल बनाना चाहिए, कल कुछ अल्लाह ना करे किसी के साथ शादी के बाद भी कुछ बुरा हो जाए, तो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, उसको इतनी तालीम मिलनी चाहिए कि वो अकेले फाइट कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके. ओके, तो आपके जितने